आज हम जानेंगे दोस्तों कि बिल हब रिचार्ज ऐप से आप रिचार्ज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों ये ऐप रियल है या फेक है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इस ऐप में एक प्रॉब्लम भी चल रही है, पेंडिंग प्रॉब्लम, मतलब आप रिचार्ज कर रहे हो और जो आपका रिचार्ज है पेंडिंग में चला जा रहा है, तो इसका भी सलूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिल हब रिचार्ज ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ओपन करना होगा। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें बिल हब ये जो ऐप है ओपन होती है। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएंगी, ओटीपी से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका जेंडर और एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव रेफरल कोड, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड डाल देना है। रेफरल कोड आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस रेफरल कोड को आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सेव डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर आप क्लिक करेंगे ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से मोबाइल में ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आपको बताएंगा वेलकम बैक, तो इस तरीके से दिखाई देता है। फिर आपको बताएंगा कि दोस्तों ये सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल का रिचार्ज करते हैं या डीटीएच का, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो आपको मार्जिन रेट पर क्लिक करना है। मार्जिन रेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एयरटेल का रिचार्ज करने पर आपको 6% का आपको यहाँ पर जो बेनिफिट है वो होने वाला है। जियो पर भी आपको 4.5% का बेनिफिट, वीआई पर 6.2% का बेनिफिट और बीएसएनएल पर आपको 7.26% का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग डीटीएच भी यहाँ पर इसने दिया है। तो दोस्तों ये तो ये मैंने आपको कमाई का बताया है। तो आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ डाल देना है। जैसे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लान चेक करना है। प्लान चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाता है। आने के बाद आपको क्या करना है, एक अमाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हो, सिलेक्ट करने के बाद जो ये रिचार्ज प्लान है यहाँ पर ये आ चुका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि बैलेंस इज नॉट, तो अभी जो बैलेंस है यहाँ पर मेरे इसमें अकाउंट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस ऐड करना होगा। वॉलेट बैलेंस पर क्लिक करके यहाँ पर जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहे उतना अमाउंट पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप आपका जो वॉलेट है यहाँ पर वॉलेट में जो अमाउंट है पे कर सकते हैं। वॉलेट में अमाउंट यहाँ पर पे कर दिया है। कर देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा फ़ोनपे ओपन करता हूँ और फ़ोनपे ओपन करने के बाद पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने फ़ोनपे में पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है प्लीज़ चेक योर यूपीआई ऐप, योर पेमेंट रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट होल्ड बी द सो, यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये इस तरीके से लोडिंग ले रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है पैसे ऐड होने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पैसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं हो रहे। यहाँ पर मैंने पे कर दिया वो पेमेंट को और यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपका जो पेमेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन और आपको मिलता है यहाँ पर रेफर 15 रुपीज़ आपको मिलने वाले, रेफर करके आप पैसे कमा सकते हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि योर फ्रेंड एडेड 100 रुपये और यहाँ पर आपको 15 रुपये का ये जो है मिल जाएगा बोनस। यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी और भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे रिफंड पॉलिसी की, तो रिफंड पॉलिसी में आपका कभी यहाँ पर जो रिचार्ज है ट्रांजेक्शन फेल होता है तो 7 बिजनेस डेज में वो आपका जो रिफंड है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके इसमें आ जाएगा वॉलेट में, तो रिफंड का भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। और दोस्तों कॉन्टेक्ट सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप इनका कुछ पेंडिंग आपका रिचार्ज जाता है तो पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेंडिंग प्रॉब्लम आपको मिल रही है तो आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेंडिंग, तो यहाँ पर जैसे पेंडिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सेंड करना है। सेंड करने के बाद वो आपको बताएगा कि कौन सा रिचार्ज, थैंक यू और रीचिंग 1 ईयर और अब यह शॉर्टली, तो बिल विल बी योर शॉर्टली, तो अभी ये आपको जो आंसर है दे देगा। तो अभी तो यहाँ पर मैंने कोई रिचार्ज नहीं किया तो ये मुझे आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन आपका कोई रिचार्ज पेंडिंग जाता है तो ये आपको आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। और दोस्तों आप कभी यहाँ पर नहीं हो पाते तो आपको क्या करना है, इनका एक ऑप्शन है इस पर आना है, मतलब आपके बिल हब के ऑप्शन पर आना है, कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करना है और आपको इनका एक नंबर मिल जाएगा जो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल हब का जो नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देगा, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करके यहाँ पर आपका जितना भी रिचार्ज पेंडिंग गया या फेल हुआ है या दोस्तों आपके वॉलेट में पैसे अटक गए तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों ये ऐप रियल है या फेक है, तो दोस्तों इसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम मिल रही है जिसमें मतलब यहाँ पर आपके जो पैसे है वो अटक जा रहे हैं और फेल हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ट्रैफिक इस ऐप पर अभी आया है, तो अभी आपको इस पर धीरे से जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व करने को यहाँ पर मिलेंगे और आप इनके कस्टमर सपोर्ट पे भी बातें कर सकते हैं जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया हो दोस्तों बिल हब ऐप के बारे में, ये ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये ऐप क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, ध्यान रखें, टेक केयर।